कुराने मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलव तकव्वला अलैना बअदल अकावील लअखदना मिन्हु बिल यमीन थुम्म लकतअना मिन्हुल वतीन। फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी होते, बल्कि झूठा नबी होना तो दूर की बात, कोई एक बात भी हमारी तरफ गलत मंसूब कर देते, कोई एक मसला भी जो हमारी हमारा कॉल नहीं होता, हमारी राय हमारा हुक्म ना होता, लेकिन अपनी तरफ से गढ़ लेते, पूरा नबूवत का झूठा दावा तो दूर की बात, एक कॉल भी अगर गढ़ लेते, लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम इनको दाएं हाथ से पकड़ते, थुम्मा लकतअना मिन्हुल वतीन, और इनकी शहरक काट डालते, पनपने नहीं देते हम इनको। तो मिर्ज़ाई जो है ना, जो गुलाम अहमद कादियानी के मुरीदीन है, जो उसके झूठी नबूवत पे ईमान लाने वाले, वो इस आयत को पेश करते हैं मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत के हक में। तवज्जो है आप हजरात की। वो कहते हैं कि देखो, अगर कोई भी शख्स अल्लाह की तरफ झूठ बांधे तो कुरान में अल्लाह कह रहा है उसका दाएं हाथ पकड़ के मैं उसकी शहरत काट दूंगा। ये किनाया है कि मैं उसको पनपने नहीं दूंगा, उसको मैं जलील कर दूंगा, उसको मैं कत्ल कर दूंगा, उसको मैं, यानी कुछ भी सजा ऐसी इबरतनाक मिल जाएगी उसको कि लोगों के सामने उसका झूठा होना वाजे हो जाएगा। तो कहते हैं मिर्जा को तो नहीं मिली, मिर्जा ने तो अगर हम यानी झूठा नबी था तो एक झूठ नहीं, फिर तो उसकी हर बात अल्लाह पे झूठ होगी ना, तो इतने करोड़ों झूठ उसने बोले, फिर भी जनाब देखो उसके खुलफा लंदन में कैसी हुकूमतें चल रही हैं उनकी, और 100 साल हो गए कादियानी दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं। सवाल समझ में आएगा तो जवाब इंशाल्लाह समझ में आएगा। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि यह हर शख्स के बारे में नहीं है, ये जो कुरान ने धमकी दी है उस शख्सियत के बारे में धमकी दी है कि जिसका किरदार इतना अच्छा रहा हो कि लोग उसकी बात पर यकीन करते हो, वो अगर कहे कि उहद पहाड़ के, वो अगर कहे कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है हमला करने के लिए, तो लोग आमन्ना व सद्दकना कहें, जिसका किरदार ऐसा हो, ऐसा शख्स जब अल्लाह पे झूठ बांधेगा तो उस झूठ के सच्चा होने का लोगों को गुमान होगा कि ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे शख्स को जो अल्लाह की तरफ गलत निस्बत करे, जिससे लोगों को कंफ्यूज होने का खतरा हो, अल्लाह ऐसे शख्स को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि फिर अल्लाह पर इल्जाम है। कोई भी भंगी चमार उठ के अगर अल्लाह पे झूठा बोहतान बांधे तो अल्लाह उसको दुनिया में सजा नहीं देते, क्योंकि तू भंगी चमार, तुम उस पर ईमान क्यों लेकर आ रहे हो, उसकी हैसियत तो देखो पहले। मिसाल के बगैर बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों, या तो पुलिस के जरिए आती है या मिसाल के जरिए आती है। मिसाल देता हूं इसकी मैं, एक देखो, एक सफीर है यहां पे, 3-पीस सूट और टाई में, लग्जरी गाड़ी है उसके पास, पीछे पुलिस की मोबाइल है सिक्योरिटी के लिए, और वो जो भी सफीरों का हुलिया होता है, जो भी सफीरों का किरदार होता है, जाहरी अलामत होती हैं, वो सारी उसमें आपको नजर आ रही हैं, और इंग्लिश भी फरफर बोल रहा है, शक्ल से भी बर्तानिया के यूके का लग रहा है, कहीं से भी उसमें छांगा मांगा की चीचा वतनी शकरपड़िया की वो स्मेल कह लें या खुशबू कह लें नहीं आ रही। आई बात सुन, बंदा ही हमें यहां लग जाता है ना फौरन, ये बंदा यहां का, और आप दुनिया में कहीं भी जाएं पाकिस्तानी शक्ल से पकड़ा जाता है कि अपना ही है, और अजीब सी मोहब्बत होती है, सही बता रहा हूं आप, कहीं भी जाओ ना तो फौरन पता चल जाता है, चाहे वो जुब्बा पहन ले रुमाल पहन ले अरबों वाला, लेकिन पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी, और बड़ी अच्छी खुशी सी महसूस होती है कि यार अपना अपनाइयत महसूस होती है, आदमी कहता है ये सही है, ठीक है ना। तो अब यूके बॉर्न मालूम हो रहा है वो आदमी, यूके की पैदाइश वाला, इंग्लिश भी फरफर, और वो चमड़ी भी उसकी गोरों जैसी, बाल भी बिल्कुल सुनहरी बाल है, पूरा गेटअप कैसा है, ऐसा जैसे सफीरों का और यूके के बर्तानिया के सफीरों का होता है। वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बर्तानिया की तरफ से बयान रिकॉर्ड करवा रहा है कि भाई हुकूमत बर्तानिया पाकिस्तान को यह पैगाम देना चाहती है, अगर वो झूठा होगा बर्तानिया उसको छोड़ेगा? फौरन अखबार में अनाउंस करेगा, रेडियो पे ऐलान करेगा, टेलीविजन में, कि हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, पब्लिक धोखा खाने की कोशिश ना करे, हम इसके जिम्मेदार नहीं है।
फिर भी बाज ना आया तो इबरतनाक सजा मिलेगी उसको, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और एक वो आदमी है झाड़ू हाथ में, धोती बनियान में घूम रहा है, महल्ले के गटर साफ कर रहा है, सही है ना, इस गटर से घुसता है, दूसरे गटर से निकलता है सफाई करके, खुद कभी नहीं नहाया। ये कहता है, बयान जारी करता है इसी हुलिये में कि मैं बरतानिया का सफीर हूं, मुझे यूके ने भेजा है और मैं पाकिस्तान के सफीर से मुलाकात करना चाहता हूं, यह पैगाम देके। जितना बड़ा भी जलसा कर ले, बरतानिया उसकी मजम्मत में या उसकी तरदीद में ऐलान करेगा, बोलेगा ये कौन है? बरतानिया कहेगा कि मैंने अगर इसकी नफी भी की ना तो मेरी वजह से ये मशहूर हो जाएगा, अभी तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, लेकिन थोड़ी इज्जत और, तो इस पर जो ईमान लाने वाले हैं, इसको मेरा सफीर समझने वाले, वो मखंचू हैं, वो इतने गिरे हुए लोग हैं, उनकी मेंटल अप्रोच इतनी कम है कि मुझे वजाती बयान जारी करने की जरूरत नहीं, जिसने गुमराह होना है हो जाए। तो याद रखो, नबी का भी एक गेटअप होता है, वो जाहिरी हुलिया नहीं होता। अल्लाह किसी हर शख्स को नबूवत नहीं पकड़ा देते, अंबिया की जिंदगी नबूवत से पहले भी बेदाग होती है और नबूवत के बाद भी बेदाग होती है। हर शख्स को नबूवत नहीं मिलती, हर नेक आदमी को नबूवत नहीं मिलती। 40 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, मूसा अलैहि सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, उससे पहले की जिंदगी वो लोगों के सामने दलील होती है, गवाह होती है वो जिंदगी इस बात पर कि ये झूठ नहीं बोल सकते। ईसा इब्ने मरियम को बचपन में नबूवत मिली, मगर बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया और मां की गोद में अपनी मां की पाकदामनी की गवाही दिलवाई। दूध पीता बच्चा लोगों को नमाज और जकात का हुक्म दे रहा है। ऐसी बेदाग सीरत, ऐसा खूबसूरत किरदार, ऐसे खूबसूरत किरदार का आदमी अगर अल्लाह पे एक झूठ भी बांधे, अल्लाह फरमाते हम उसको पनपने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी दावत पर लब्बे, उसकी दावत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग वो समझेंगे कि अल्लाह का कलाम है, हालांकि वो अल्लाह का कलाम नहीं होगा। रहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मामला, तो उसकी सीरत बेदाग बोलो भाई नहीं, क्योंकि ऐसा शख्स ही नहीं था कि उसमें कोई ऐसी चीजें हों कि उसको देखकर उस पर लोग ईमान लेकर आए। इसकी क्या दलील है कि उसका किरदार खराब था? सवाल पैदा होता है भाई, बात यह कि मौली साहब आपको कहां से पता चल गया, आप क्या मिर्जा के दौर में पैदा हुए थे? हैं भाई, आपको कैसे पता चला कि उसका किरदार बहुत अच्छा था, वो नेक आदमी था, उसकी नेकी और तहारत और तकवे की वजह से अल्लाह ने नबूवत उसके शाने पे रख दी। उसके किरदार के गलत होने, उसके दो नंबर आदमी होने, करप्ट होने, बद किरदार होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि आप मिर्जाइयों से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के कैरेक्टर और किरदार पे अगर बहस करना चाहो, मिर्जाई जहर का प्याला पी लेगा, मगर मिर्जा की नबूवत पे बहस करेगा, उसके किरदार पे बहस बोलो ना भाई, ये मुशाहिदा है, ये किताबों की पढ़ी हुई, ये मेरा जाती मुशाहिदा है। और खास तौर पे जो खत्म नबूवत में जो लोग लगे हुए हैं उलमा, उनसे आप पूछें वो भी आपको यही कहेंगे। मिर्जाई इस पर मुनाजरे के लिए तो आमादा होंगे कि वो नबी था या नहीं था, इस पर आमादा कभी नहीं होंगे कि वो शरीफ इंसान भी था या, बोलो ना यार, वो डायरेक्ट नबूवत से शुरू करते हैं, पहले वो नबूवत को मनवाएंगे, फिर जब नबी मान लिया तो शरीफ तो फिर फर्ज करना ही पड़ेगा ना, क्या फिर नबी के तो हर उल्टे काम को भी, जो झूठा नबी है वो जब सच्चा मान लिया तो हर उल्टे काम को आपको सही करना पड़ेगा उसको। तो नबूवत से पहले क्या है? शराफत है। जो शराफत के बजाय शर और आफत का मजमुआ हो, उसको अल्लाह कैसे नबूवत दे सकते हैं? और अगर कोई इसकी नबूवत पर ईमान लाता है, कोई इसकी बातों में यकीन करता है, तो अल्लाह कहते हैं कर ले, हमने कोई गारंटी ली है इसकी? इसका किरदार देखो। मैं आज जितने मिर्जाई दुनिया में हैं, कादियानी हैं, उनको चैलेंज करता हूं कि किसी भी बुजुर्ग, किसी भी आलिम के पास जो थोड़ा बहुत भी खत्म नबूवत के टॉपिक पर शुद्ध-बुद्ध रखते हैं, मिर्जा के किरदार पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाओ। कादियानी जहर का प्याला पी लेगा मगर इस पर तैयार, बोलो भाई, नहीं होगा। तो याद रखो, जैसे जो शख्स अल्लाह पे झूठ बांधे
उनमें से हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि अल्लाह उससे बरात का ऐलान करे, क्योंकि वो उसकी ऐसी हैसियत ही नहीं है। ऐसे ही उलमा में जो भी इंटरनेट पर मुफ्ती बनके लोगों को मसले बताना शुरू कर दे, तो हर मुफ्ती भी, हर ऐसा शख्स भी इस काबिल नहीं होता कि उलमा अपने औकात का हिस्सा उस जाहिल पे खर्च करना शुरू कर दे। थोड़ा बहुत तड़का उलमा लगाते रहते हैं थोड़ा बहुत, ताकि पता चले कि भाई ये सिर्फ हमारे दावे ही दावे नहीं है, इन दावों के पीछे दलाइल भी हैं। मगर उनका, उलमा का मौजू ये नहीं होता आमतौर पर, वो इसलिए नहीं होता। अभी हम रो रहे थे गामदी साहब को, एक नई फिल्म आई है शेख मोहम्मद साहब, उनको देख के गामदी साहब से मोहब्बत होती है आदमी को, हकीकत है। वो बिल्कुल ही अजीब सी चीज आई है। तो ऐसी फिल्में आती रहेंगी और सारी कुरान और हदीस के नाम पे आएंगी, तो आने दो। मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, मैंने उनका क्लिप देखा, वो लतीफा सुना रहे थे, कह रहे एक जगह मैंने निकाह पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया या मुझे पूरा वाकया याद नहीं, तो वो लोगों की आदत होती है ना, जो जिस काम में लगा है वो वही अल्फाज उसके जहन में होते हैं। तो एक मुंशी थे, वो ट्रक लगते थे ना लाइन में, एक ट्रक आया है, वो लोड हुआ सामान चला गया, तो दूसरे से, दूसरे के बारे में पूछते हैं कि क्या हो, फिर आण दे आण दे, तो उनकी जबान पर चढ़ा हुआ था आण दे। तो काजी साहब ने उससे पूछा निकाह के वक्त कि तुम्हें इतने महर में ये औरत कबूल है, उसने कहा आण दे। क्या कहा? आण दे, आने दो। तो बहरहाल फिर भी थोड़ा सा उलमा इस पर बात करते रहते हैं, टच देते रहते हैं अपने बयानात में, ताकि लोग ये ना समझें कि ये दलाइल की दुनिया में बिल्कुल कोरे हैं।